हमारी जो है पूरी तरह से इलेक्शन को लेकर तैयारियां करी जा चुकी हैं, और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी एक विज़िट कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें इन तैयारियों की रिव्यू करने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद जो है वो शिमला में आए थे। हमारे आरोज की और जितनी भी हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीम्स बनती हैं, सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, उन सब की ट्रेनिंग्स कराई जा चुकी हैं। बहुत शीघ्र जो है हमारे आरोज जो है वो आरोज के स्तर पे जो जो चीज़ें करी जानी है, पोलिंग पार्टीज़ की रिहर्सल्स और पोलिंग से संबंधित जो तैयारियां उनको अपने स्तर पे करनी है, उसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी। और 17 अक्टूबर से जो है हमारा नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 25 अक्टूबर नॉमिनेशन की अंतिम तिथि रहेगी, 27 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी और 29 जो है वो विड्रॉल की लास्ट डेट होगी, 12 नवंबर को पोलिंग करी जाएगी। 329,463 वोटर्स एज पर द फाइनल पब्लिकेशन जो कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर को की गई है, उसके हिसाब से 329,463 वोटर्स हैं जो इस विधानसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जहां तक कि होर्डिंग्स का सवाल है, तो इसमें तीन डेडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती हैं। एक 24 घंटे की डेडलाइन है, 24 घंटे की डेडलाइन है जितने भी हमारे गवर्नमेंट प्रेमिसेज हैं, यानी सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर हैं, और उन दफ्तरों के आसपास का जो स्पेस है उसमें 24 घंटे तक उनमें से हमें होर्डिंग्स और किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें जो सरकार की उपलब्धियों को बताए उनको हटाना होता है। इसके बाद में जो है 48 घंटे तक जितने भी हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं, यानी इट कैन बी वो हमारे बस स्टैंड्स हो सकते हैं, प्लेग्राउंड्स हो सकते हैं, ओपन स्पेसेस हो सकते हैं, उनसे इस तरह के मटेरियल्स को 48 घंटे तक हटाना होता है। 72 घंटे तक जो प्राइवेट प्रेमिसेस हैं उनमें भी अगर उनकी परमिशन के बगैर अगर किसी पार्टी ने या किसी कैंडिडेट ने कुछ वहाँ पे लगाया हो तो उसको भी 72 घंटे तक उन प्राइवेट स्पेसेस से भी उसको हटाना है, बिकॉज कंसेंट के साथ ही प्राइवेट स्पेसेस में भी एडवर्टीजमेंट मटेरियल जो है उसको लगाया जा सकता है। जो है हमारे हर एक असेंबली सेगमेंट में दो ऐसे पोलिंग स्टेशन रहेंगे जिसमें कंप्लीट पोलिंग स्टाफ जो है वो महिलाएं होंगी, तो कुल 8 पोलिंग स्टेशन हमारे चारों एसीज में ऐसे होंगे जो महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाएंगे। ना सिर्फ पोलिंग स्टाफ वहाँ पे महिलाएं होंगी बल्कि जो पुलिसकर्मी होंगी वो भी महिला पुलिसकर्मी होंगी, तो पूर्णतः महिलाओं द्वारा 8 पोलिंग स्टेशंस को मैनेज किया जाएगा। साल के हमारे करीब 5,777 ऐसे वोटर्स हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में पंजीकृत हैं, 100 साल से ऊपर इनमें से 44 ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर हैं, और इनके पास और सभी PWD इलेक्टर्स के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो पोस्टल बैलेट द्वारा भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं अगर वो पोलिंग स्टेशन तक आने में असमर्थ हैं। इसको लेकर फॉर्म 12D जो है हम आरओज के माध्यम से, BLOs के माध्यम से इन तक पहुंचाएंगे, तो वो फॉर्म भर के इनको हमारे पास देना है, जिसकी एक लास्ट डेट जो है हम अभी आने वाले दिनों में अनाउंस करेंगे, और उस तिथि तक अगर ये उस फॉर्म को देते हैं तो हमारी टीम्स जाके इनके पास जाकर घरों से वहाँ पे जो है इनसे वोट कास्ट करवाएंगे।